अपने गांव की मिट्टी से दूर तरक्की की राह पर चल रहे ये कदम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अर्जुन के, जो पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना चाहता है। एक यही लक्ष्य है अर्जुन का। अच्छा चलो 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 जल्दी चलो चलो। हाँ 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 देवर जी सब ठीक है। हाँ हाँ तुम अपनी कहो कैसा चल रहा है वहाँ। लो तुम्हारे भैया भी आ गए। लाओ फोन मुझे। ये लीजिए अर्जुन का फोन है। जी भैया प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। क्या हाल है सब ठीक है ना वहाँ पर। बिल्कुल ठीक भैया सब अच्छा है। खैर अब तो होली की छुट्टी हो गई है और मैं कल सवेरे गांव पहुंच रहा हूँ। ठीक है सुन रही हूँ। हाँ? कल अपना अर्जुन आ रहा है। तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा जाता हूँ जाना होता है। ये दीपक देख देख दे दे फोटो मुझे। हाँ। वाह बेटा वाह शादी से पहले ससुराल जाने की तैयारी। हाँ? अरे यार पहले फोटो दे। मजाक मत कर कह देता हूँ गांव जा रहा हूँ यार। गांव? यार तू हमेशा गांव जाता रहता है यार। अरे यार मेरा गांव गांव है गंगा जी के किनारे। गांव की क्या बात है यार दीपक। यार गुरु तेरी आंखों में गांव की झलक देखकर और बातों में गांव की महक देखकर दिल चहकर कहता है कि बेटा दीपक लखनऊ इलाहाबाद तो बहुत देख लिए अब जाकर अर्जुन का गांव भी देखा। हाँ अरे यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलो चलते हैं। चले और क्या लेकिन एक शर्त है जाएंगे बाय रोड और वो भी खुली जीप में। मंजूर? डन। जीप से ना। हाँ मजा आ गया ना। लेकिन भैया माँ को समझाने की जिम्मेदारी तेरी। देखो मुझे समझाने की कोशिश नहीं करो तुम्हारे जैसे लापरवाह आदमी को कैसे हम जाने की इजाजत दे दे। आंटी मैं एक बात बोलूं मैं से कोई भी लापरवाही नहीं करने दूंगा। और पहली बार गांव जाने की बात कर रहा है ना जाने दीजिए। मैं सब समझती हूँ तुम दोनों का पेट मिला हुआ है चोर चोर मौसेरे भाई। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ दीपक जैसे मेरे साथ जाएगा ना वैसे ही सही सलामत वापस लौट के आएगा। हा, हा, प्लीज हा, हा, जाने दीजिए ना। हाँ माँ माँ प्लीज। ठीक है लेकिन बेटा मेरे बेटे का ख्याल रखना। जी ठीक है आप चिंता ना करें। चलो दीपक माँ माँ तुम कितनी अच्छी हो माँ। चलो माँ तुम कितनी अच्छी हो माँ। चलो जीते रहो। अपने पास हो शहर के गार्डन से
नशीली पवन जान मारे, दिल यहाँ पे न संभले संभाले, नीले गगन की छैया छैया चल कर ले सैया सैया, चल कर ले सैया सैया एक लड़की आसमां से आके दिल के द्वार पे बोल गई हंस के आई लव यू, वो कुछ इतने प्यार से देखो वो है मेरा गांव। अच्छा ये? हाँ यही तो है मेरा गांव। लेकिन ये बाजार इतना सुनसान क्यों है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ यार ये दुकानें बंद क्यों हैं? कोई भी नहीं दिखता। अरे जोखन आओ जरा इधर आओ। अरे अर्जुन भैया आओ इधर, क्या हुआ? तुम अकेले बैठे क्यों हो और ये बाजार क्यों बंद है? व्यापारी लोगों ने हड़ताल किया हुआ है इसलिए सब बंद है। सब क्या हुआ? व्यापारियों का हड़ताल? क्यों क्या हो गया? अरे वो वीर मोहबिया है ना, वीर मोहबिया, उसने एक व्यापारी का किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया। क्या मर्डर? क्यों साला ऐसे ही मर्डर हो जाता है? फिर कोई कुछ करता नहीं है। छोड़ो छोड़ो तुम ये सब बातें छोड़ो, जाओ तुम अभी घर जाओ। अरे क्या घर जाओ भाई, किडनैप हो गया मर्डर हो गया और कुछ? अरे तुम जाओ ना, जाओ ना घर जाओ ना, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है मैं शाम को मिलता हूँ, तुम ठीक है? अच्छा तुम जाओ मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा चलता हूँ, तुम घर आओ। यार कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या होगा इस देश का। लो घर आ गया मेरा। अच्छा यही घर है क्या? बस बस बस, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। अर्जुन बबुआ तुम आ गए। अरे भैया प्रणाम भैया। खुश रहो खुश रहो। अभी प्रणाम। पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रही है ना? एकदम ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भैया इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त दीपक जी। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बचवा मतलब भैया पूछ रहे हैं तुम्हारा सफर अच्छा रहा ना? सफर बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे अर्जुन ये किस गांव से है? अरे आप सारी बातें यही कर लोगे क्या? सफर से थक कर आया है, जरा नहा लेने दो, खा लेने दो, थोड़ा आराम कर लेने दो। अच्छा मैं तो भूल ही गया था, देवर है ना, जाओ इनको नाश्ता पानी कराओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। चलो और भाभी गांव का हालचाल सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लगाइए। हाँ, हाँ। आओ हाथ मुंह धो लेते हैं। हाँ, हाँ, चलो आओ आओ। गुड्डू बेटा जाओ जरा चापाकल चला लो। ठीक है पिताजी। लो हाथ धो लो, ये गांव का चापा नल है, चलाओ बेटे। भैया हाँ, ये आज पूरा बाजार बंद था और सब लोग एक ही नाम ले रहे थे, वीर मोहबिया वीर मोहबिया। लाइए ये वीर मोहबिया आखिर है कौन, क्या हुआ भैया, ये नाम सुनते ही इतना परेशान क्यों हो गए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरा इलाका ही उससे परेशान है। वीर मोहबिया जिसका नाम है ना, वो कल तक सिर्फ एक मामूली गुंडा था,
लेकिन आज वो बाहुबली बन गया है। क्राम, क्राम। अब नन्हा से तो गंदा भी डरती है, यही कहानी है वीर महोबिया की। चारों तरफ उसका आतंक फैला हुआ है और इस इलाके के सारे छोटे मोटे गुंडे क्रिमिनल्स किसी सांप की तरह उस सपेरा महोबिया के इशारे पे नाचते हैं। क्राम 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 क्राम। डॉक्टर केदारनाथ हॉस्पिटल बनवा रहा है, अगर आप कहें तो साले का अपहरण करवा लिया जाए। 1.5 करोड़ फिरौती में तो मिल ही जाएगी। शराब, सड़क और चुंगी नाकाओं के ठेकेदार सभी उसके जूते चाटते हैं। क्राम क्राम, ये लीजिए नजराना, छोटा सा है, सिर्फ 10 लाख। मैं टेंडर भर दिया हूँ, थोड़ा ख्याल रखिएगा। और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी अपनी ड्यूटी भुलाकर आजकल उसकी जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं। क्राम क्राम बाबू साहेब। क्राम क्राम। कामेश्वर आपके विरुद्ध बागी बनकर बहुत फड़फड़ा रहा था साला, एनकाउंटर कर दिया साले का, किसी को पता भी नहीं चला, मगर ये नए एसपी साहब के आने से सेक्शन गरम होने का चांस है। जब राजनीति पुलिस और गुंडे लोगों से बात नहीं बनती है तो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपना मोहरा बनाता है और उनसे हड़ताल और तोड़फोड़ करवाता है, जो कि उसकी फितरत में। क्राम क्राम ठाकुर साहब। क्राम क्राम ठाकुर साहब, इस बार चंदे का पैसा पहले से ज्यादा इकट्ठा हुआ है, टोटल 60 लाख। बड़ी टाइट माल थी यार, बुढ़ापे को झकझोर दिया। आओ आओ मेरे छोटे सरकार। क्राम क्राम बाबा। क्राम 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 क्राम, खुश रहो, ये लीजिए। शाबाश बेटे शाबाश, आसरा पार्टी के आला कमान ने हमारे बेटे को पार्टी का प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनाया है। अरे इस खुशी के मौके पर कोई जश्न होना चाहिए, जश्न। Yeah!
से मस्त दोनों मेरे दिल का खूब बुआ यार सुबह सुबह कहाँ हाँ अरे वो मैं भाभी के मैके जा रहा हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं मायके है मेरा और जाने की जल्दी हुजूर को क्यों है अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि रजनी से मिलने जा रहे हैं ओहो रजनी से मिलने जा रहा हूँ मालूम होता है पूरे गांव में जैसे रजनी ही रहती है किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा सकता हूँ क्या बात करते हैं अरे अब रहने दो इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि कुछ काम नहीं हो तो चले आओ चलो दीपक प्रणाम चलो इधर से चलो जल्दी चलो भाई चलो ना प्रणाम प्रणाम देखो जैसे ये मौसम आज रंगीन है ना वैसे ही मेरा मन भी आज रंगीन बना हुआ है समझे इधर यार दिखता नहीं है रुको 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 और यही है मेरी होने वाली जोरू और तेरी होने वाली भाभी का घर अच्छा वो क्या है ना तुम्हारी होने वाली भाभी से मेरी बात जरा कोड वर्ड में होती है अच्छा और देखना जैसे ही कोड वर्ड में आवाज निकालू मैं ना देखना कैसे लहराते हुए बाहर आएगी देखता हूँ कर बाप रे बाप वाह वाह सुंदर अति सुंदर मेरी भाभी लड़की कम औरत ज्यादा लगती है यार अबे साली उसकी माँ है बे गधी कहीं के माँ आज क्या कर रही हो क्या बात पता है नहीं कैसी आवाज आ रही थी ये 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 कौन है ये ये कौन है ये घर का नौकर है नौकर हा? मारूंगा सौ गिनूंगा एक भी नहीं खड़ा रह चुपचाप हाँ बहुत दिनों के बाद ऐसी आवाज आई है जाने दो चलो सर सर ये उसके पापा हैं इनका गुस्सा बड़ा खतरनाक है भाई भाग चलो अरे गुस्सा गुस्सा अब देखना मैं दूसरी आवाज मारूंगा ना तो मेरी हीरोइन बलखाती हुई घर के बाहर अबे हट क्यों डर गए क्या आज टाइम मिला है यहाँ आने का मिलने भी आए हो तो इतनी जल्दी देखो वो क्या है कि देखो तुम तो जानती हो कि मेरा बस चले तो मैं तो डायरेक्ट इलाहाबाद से यहीं चला हूँ लेकिन बात यह है कि भाभी को हमसे ज्यादा लगाव है तो सोचना ही पड़ता है इससे मिलो ये है दीपक नमस्ते जी नमस्ते दीपक मेरा दोस्त और ये रजनी है रज्जो पिताजी बुला रहे मैं जा रही हूँ पिताजी ने बुलाया तो मैं क्या कोई क्रिमिनल हूँ दीवाना हूँ गोली में बिठा कर तुम्हें घर लेके जाऊंगा छोड़ो ना जाने तो कल कॉलेज से लौटूंगी तो रास्ते में मुलाकात होगी अच्छा ठीक है ए मुन्ना अरे पागल हो गए हो क्या चलो बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो अरे कहाँ बैक करूं इतनी दूर मैं अंदर आ चुका हूँ अब कहाँ बैक करूं तू बहस करेगा या गाड़ी पीछे लेगा तू जानता नहीं है कि तू किससे टक्कर ले रहा है बहस मैं कर रहा हूँ या बहस आप लोग कर रहे हैं दो मिनट के लिए गाड़ी पीछे लिए होते तो मैं निकल गया होता ओए बच्चा दिखने में तो सीधे साधे हो लेकिन वैसे हो नहीं आए अरे सड़क पे गिरा के अगर गाड़ी चढ़ा दूंगा तो कैसा लगेगा आए चलो हटो पीछे तेरी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ नहीं तो बांध के इसी ट्रैक्टर में घसीट कर वो हल करता ना कि अपने सर के बाल भी गिनने लायक नहीं रहते ए हीरो इधर आ इधर आ इधर आ जवानी का खून उबाल मार रहा है इधर आ मेरा नाम वीर महोबिया है मेरे सामने बोलने वाला ज्यादा बोलने लायक नहीं रहता दो मिनट में अपना ये खटारा पीछे ले नहीं तो इस खटारा के साथ साथ तुझे भी इसी सड़क पर फूंक दूंगा चल पीछे ले फूंक दोगे फूंको अब तुम फूंकोगे मैं देखूंगा तुम फूंको मैं देखता हूँ तुम कैसे जलाते हो जला के दिखाओ मेरी गाड़ी जलाओ मैं बैठता हूँ
तुम लोग जलाओ, मैं देखता हूँ इसी ट्रैक्टर पर बैठा हूँ मैं। अच्छा जला के दिखा मुझे, जला, अगर दम है तो मुझे जला के दिखा, जला जला के दिखा मुझे। अरे जा, वीर मोहब्बिया है तो क्या कुछ भी कर लेगा, कोई पागल लगता है। बच्चा समझ कर छोड़ दिया, जवानी के जोश में बोल रहा है। हेलो, हाँ माँ, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ माँ। गांव कैसा लगा बेटा? यूँ समझ लो माँ कि चारों धाम के दर्शन हो गए। यहाँ पर तो मेहमान को देवता की तरह पूजा जाता है, सच्चा प्यार और मानवता के दर्शन हुए हैं माँ। बस मजा आ गया माँ, मजा आ गया। कब आ रहे हो बेटा? बस माँ, गांव की होली भी तो देख लूँ, होली खत्म होते ही आ रहा हूँ। अरे बोले कबीर, उगना के ऊपर सुगना नाचे, चौराहे नाचे फकीर, बंद चढ़ा के पंडित नाचे, दिन है बड़ा रंगीन, छत के ऊपर भौजी नाचे, गांव की जगी तकदीर, जम के उड़ाओ अबीर, चोरी का धक्का करे है जिया, करे है जिया, अरे चोरी का धक्का करे है जिया, आए ना बाहर से घर जो पिया, अरे होली है। आया सुहाना, मैं तुझे रंग दूं गोरी, आज है रंगी तेरी ताकत से
की सजना कितनी ही रंगों से चुगन तेरी। भाभी की बहना को रंग ना लगाता तो रह जाती होली अधूरी मेरी। भीषा के भाई को था कुछ दिखाना है इसकी भी तैयारी पूरी मेरी। रंग तुझे ऐसा लगाऊं ना छूटे रंग तुझे ऐसा लगाऊं ना छूटे ले जाएंगे एक दिन डोली में। जल्दी से डोली में हो न सजना आग लगी है मेरी चोली में। जल्दी से गाड़ी पकड़ ली न सजना आग लगी है मेरी चोली में। जल्दी से गाड़ी पकड़ ली न सजना आग लगी है मेरी चोली में। जल्दी से गाड़ी पकड़ ली न सजना आग लगी है मेरी चोली में। दिन आज फागुन का आया सुहाना हमें तुझे। अरे अरे गाड़ी चला दे मुझे। अरे अरे देख के चल। अबे संभल के। अरे अरे देख के चल। अरे संभल तो। अरे 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 संभल तो। अर्जुन अर्जुन ये हे भगवान अब क्या होगा। देखो मुझे समझाने की कोशिश नहीं करो। तुम्हारे जैसे लापरवाह आदमी को कैसे हम जाने की इजाजत दे दे। क्या अर्जुन ठीक है मेरे बेटे का ख्याल रखना। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ दीपक जैसे मेरे साथ जाएगा ना वैसे ही सही सलामत वापस लौट के आएगा। अरे अरे कुछ तो बोलना क्या हुआ। हा? ये क्या किया दीपक। हा? चलो तुम स्टीयरिंग छोड़ो ना चलो तुम उतरो ना तुम भाग जाओ। ऐसे है तो तुझे छोड़ के मैं दीपक तुम भाग जाओ नहीं, मैं नहीं। सब संभाल लूंगा जाओ। मैं देख रहा हूँ ना चल तेरा गाड़ी चलाता है तेरे बाप का रोड है क्या चल। अरे चाचा बिना मटन मच्छी के भला होली का मजा आएगा। हाँ 3 किलो मटन खरीद के लाया हूँ पहले इसे घर पे अच्छे से बनवाऊंगा उसके बाद खाऊंगा। ये रहा भैया। अरे अर्जुन एक्सीडेंट कर दिया है। अरे वो शंकर है ना चुल्लापुर गांव का और वो मर गया है। क्या बात कर रहे हो। हाँ अर्जुन कहाँ पे है। दरोगा बाबू थाने में लेके गए हैं जल्दी चलिए चलो। अर्जुन कहाँ है। थाने में चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो पिताजी। क्या क्या पिताजी क्या है कहीं नहीं जाना। दरवाजा तो खोलिए चाचा। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। क्या है हा? जी वो मैं अर्जुन का बड़ा भाई हूँ। अरे तो हम क्या करें। जी मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या कर लोगे मिलके मिलने से छूट जाएगा क्या वो हत्यारा। साहब आप ही कोई उपाय बता दीजिए। माल खर्चा करोगे बोलो। साहब मैं अपने भाई अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ साहब। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बस आप उपाय बताइए। समझदार हो चलो तुमको हम तुम्हारे भाई से मिला देते हैं और जाकर तुम वीर मोहबिया जी का दोनों पांव पकड़ लेना। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं जाऊंगा साहब। नहीं भैया नहीं ऐसा काम मत कीजिए। मैं कानून का मुजरिम हूँ। कानून जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। अर्जुन उन गुंडे क्रिमिनल जैसे लोगों के बीच आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वीर मोहबिया जी को तो गुंडा क्रिमिनल कहता है। जाने दीजिए साहब इसे माफ कर दीजिए। इसे माफ कर दीजिए साहब। ये नादान है साहब। माफ कर दीजिए साहब। तुझे भी अंदर कर दूंगा साहब। सर सर ये साले सर बहुत साफ दिखाता है साले। जनाब भैया साला
मैं चलूं? आप तो सब जानते ही सरकार, हमारे भाई को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए सरकार। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई चुटकी बजाते ही छूट जाएगा। बाबलू बांडे जी, बाबू साहब कार्यवाही की जाए। ठीक है बाबू साहब, मैं आपके इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा सरकार। एहसान के बोझ तले दबने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी फंड में 10 लाख रुपया जमा करवा देना, जाओ। 10 लाख रुपया, अब अच्छी बात है बाबू साहब। अरे 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 बुड़बक साला, यहाँ नहीं, यहाँ सताओ ऐसे। अरे देखता का है बे, तुम्हारे सीनियर अफसर की जान खतरे में है। खोल 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 जल्दी खोल खोल जल्दी जल्दी जाओ भाई, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे जाओ ना। कहाँ जाओ? जहाँ मर्जी वहाँ जाओ तुम, लेकिन जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाओ मैं? जल्दी जाओ, चल 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 चल। अरे कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे? अरे कोई बताएगा मुझे कहाँ जा रहा हूँ? चल 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 तुम चल भाई, इधर आओ। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है? चलो। अरे बैठो, अभी बताता हूँ। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे लेके जा कहाँ रहे हो? यहाँ से बाहर। तेरा भाई बहुबिया जी के पास गिड़गिड़ाने लगा। क्या गिड़गिड़ाने लगा? पाँव पकड़ लिया उसने। क्या पाँव पकड़ लिया? रोकर कहने लगा कि मेरे भाई को छुड़वा दीजिए, उसे जेल से निकलवा दीजिए, उसी की तैयारी हो रही है। ए, गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी मोड़ो, मुझे थाने में पहुँचा दो। मैं वीर बहुबिया के रहमो करम पे जीना नहीं चाहता। तुम लोग एक बीमारी हो बीमारी, और वीर महोबिया जो है ना, इस समाज का घाव है घाव। बोलता हूँ वापस पहुँचा दो। साले तू वीर महोबिया को घाव बोलता है? ए गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, निकल बाहर, निकल बाहर, मारो मारो रे, भागने लगा है, मारो साले को, महोबिया मारो साले को, छोड़ना मत, छोड़ो, भागने ना पार, मारो साले को, ये महोबिया की मारने लगा है, अरे देख क्या रहो, खत्म कर दो साले को, जिंदा ना बचे, छोड़ना मत इसे, आज जान से मार दो साले को। कौन है बे? कन्हैया है नाम, छोरा है गंगा पार के, इस हिंद के दुश्मन को रख देते हैं फाड़ के। भाग गए साले, वीर मोहब्बिया के कुत्ते थे, थाने से छुड़ा के लाए थे मुझे। मेरी सहायता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हैं कौन, घर कहां है आपका? कन्हैया नाम है मेरा, कोई एक ठिकाना नहीं है, मैं वो रास्ता हूं जो हर गांव से गुजरता है। मैं कुछ समझा नहीं। खैर छोड़ो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। नहीं नहीं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इलाहाबाद से यहां तक गाड़ी चला के कैसे आए थे? जी खैर बैठो, चलो। कहां ले जा रहे हैं मुझे? बंद करो। हरामजादे से तो मैं बाद में निपट लूंगा।
पहले ये पता लगा कि वो कौन है जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तबाही छोड़ जाता है। ये मुझे एसपी साहब के बंगले पे क्यों लेके आए हैं? ओ, मैं समझ गया। वो लोग मुझे वीर मोहबिया के घर ले जाना चाहते थे और आप मेरी एसपी से सिफारिश करना चाहते हैं। ए भाई, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, बस मैं अपनी गलती की सजा काट लूंगा। दोस्त बनकर छोड़ने की नहीं, साथ देने की बात करो। आओ। अजीब हाल है। आओ बैठो। यार ये आदमी जो दिख रहा है वो है नहीं। एसपी कुणाल सिंह, सर मुझे समझ में नहीं आया, वहां कन्हैया, यहां एसपी, एसपी कुणाल सिंह, इस अलग अलग रूप का मतलब? दीपक का इल्जाम खुद पे लेने की वजह? नहीं नहीं, किसने कहा आपसे दीपक का इल्जाम? मैं सब जानता हूं भाई जी, मैं अपने दोस्त की जान बचाना चाहता था। मैं भी बचाना चाहता हूं इस धरती को, महोबिया जैसे लोगों के आतंक से खत्म करना चाहता हूं उसके जुल्म की हुकूमत। तो इसमें परेशानी क्या है सर? आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप इस डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं। मैं इस सिस्टम से परेशान हूं, मैं उन बेगुनाह लोगों की कन्हैया बनकर मदद करना चाहता हूं जहां इस वर्दी में एसपी कुणाल सिंह नहीं पहुंच सकता। वीर महोबिया को चुनौती देने वाला आदमी मेरा दोस्त है। कानून को इज्जत देकर तुमने अपनी इज्जत बढ़ा ली, जाओ थाने में जाकर हाजिरी दे दो, तुम्हारी जमानत कराने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। सर आपका हाथ जब मेरे सर पे है ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज से मुझे भी अपना एक सिपाही समझिए। वीर महोबिया के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखना, तुम्हारी आवाज गांव वालों की खामोशी को तोड़ने में मदद करेगी, और जिस दिन उसके खिलाफ एक भी गवाह मिल गया उस दिन उसे ऐसा डंडा करूंगा कि हमेशा के लिए उसका क्राम क्राम ठंडा हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सर थैंक यू सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे बबुआ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी तबीयत वगैरह का ख्याल रखना और बीती बातों को भूलने की कोशिश करना। बबुआ चलो जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी, चलो चलो। अच्छा बेटा प्रणाम। जीते रहो। जो मैंने कहा है ना उसे ठीक से याद रखना है, और कोर्ट की तारीख को तो याद रखना ही पड़ेगा। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ए भैया चल रहे भैया भैया, अरे रुक साला कुत्ता कमीना, रुक अर्जुन, साले पीर मोहबिया के कुत्ते, साले कमीने। बबुआ भैया भैया भैया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल हथियार दे। अर्जुन एक बार सोच ले, अर्जुन ये ठीक नहीं है, तू जा। एक बार फिर सोच ले अर्जुन। जो सोचना है ना मैंने सोच लिया। देख अर्जुन, Thank you.
इसको जीप में बिठाओ, चल बैठ चुपचाप चल। ए, क्या बात है? अरे चल अभी पता चल जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये साहब का ऑर्डर है। मैं पूछता हूँ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वीर महोबिया को मारने जा रहे थे, तुम मार सकते हो उसे? तो क्या करूं, तो क्या करूं ऐसे साहब, क्या करूं मैं? मुझसे रोते बिलखते भाभी भतीजे के आंसू नहीं देखे जाते। मैं अपने भाई के मरने का इंतजार करूं, फिर उनके मरने के बाद गांव छोड़कर भागने की तैयारी करूं? मैं ना ही कोई अपनी कुर्सी बचाना चाहता हूं और ना मुझे ट्रांसफर का डर है। मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। आपको गवाह चाहिए ना? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। चलिए अब चल कर अरेस्ट कीजिए वीर महोबिया को। बोल लिया जितना बोलना था, अब हमारी सुनो। दुश्मनी की वजह से वीर महोबिया ने कुछ दिनों पहले 4 लोगों को गोलियों से भून दिया। हे देवी जी, समझाओ ना इन लोगों को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ देवी जी, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। एक ही गांव में रहकर ये लोग मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रहे हैं। अब अगर तुम नहीं समझाओगी तो फिर मुझे तो समझाना ही पड़ेगा ना देवी जी। अब मिटा ले ये सिंदूर। सत्यारे ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, अब मैं उसे फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहती हूँ। अरे साहब, हमारा तो जवान बेटा मारा गया है। प्रभु करनी महोबिया के लिए हम हाई कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर गवाही देंगे साहब? पुलिस ने वीर महोबिया के खिलाफ अदालत में केस फाइल कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। सलाम साहब, गोली चलाने वाले डाकू थे साहब। रात के अंधेरे में नजर कमजोर होने की वजह से मैं उन्हें पहचान नहीं सका। जज साहब, ये साहब तो हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। इन्होंने तो हमेशा हमारी रक्षा ही की है। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत वीर महोबिया को बाइज्जत बरी करती है। वीर महोबिया, वीर महोबिया। एक बार फिर उसके डर से वीर महोबिया के जुर्म की एक और फाइल बंद हो गई। उसे मारना अगर इतना आसान होता तो कब का उसे ठोक दिया होता। तुम्हारे भाई पे गोली वीर महोबिया ने नहीं चलाई, जिसने गोली चलाई उसे मैं गिरफ्तार करता, मगर कुछ दिनों में वो छूट जाता, मुकदमा चलता अदालत के फैसले तक, और जब तक फैसला होता सब कुछ उलट पलट हो जाता और फिर एक फाइल बंद हो जाती। ओके, तो हमें भयमुक्त समाज की आशा ही छोड़ देनी चाहिए? नहीं, होगा, लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना होगा। बंदूक और तलवार नहीं, बच्चों के हाथों में हम लोगों को किताब और कलम देनी पड़ेगी, और यही मेरा मिशन है। बोलो, साथ दोगे मेरा? हर मोड़ पे कन्हैया बनकर अर्जुन को ढूंढता हूं और उसे अन्याय के खिलाफ नई महाभारत लड़ने के लिए एक नई सीख और हौसला देता हूं। लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो हर अर्जुन तुम्हारी ही तरह खामोश और बेबस नजर आता है। जाओ जाओ, घर जाकर बिजली आने का इंतजार करो, और जब आ जाए तो टीवी देखकर खा पी के सो जाना। जाओ। सर, थोड़ी देर में समझ पाया हूं मैं, लेकिन आपके कद का एहसास हो चुका है मुझे। अगर आपको कन्हैया बनने में इतना गर्व है तो इस कृष्ण का अर्जुन बनने में मुझे भी अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की अनुभूति होगी। Thank you.
महा बेवकूफ हो तुम। अरे मारना था अर्जुन को और मार दिया उसके भाई को। तुम्हारा निशाना हमेशा चूक जाता है। क्या दांत निकाल के हंस रहे हो बाबू साहब? अपने बड़े भाई का बहता खून देखकर उसके खून की गर्मी ही ठंडी पड़ गई, सारी हेकड़ी निकल गई साले की। अब भाई की उठेगी अर्थी और अर्जुन की बजेगी घंटी। हेलो। हाँ दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो। कैसा है तू और भैया भाभी सब कैसे हैं? भैया तो अच्छे हैं दीपक, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। क्या मतलब? तू आ कब रहा है? दीपक अब शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मेरा रास्ता बदल रहा है दीपक। मेरा पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना बदल गया है। मेरी किस्मत कहीं और लेके जा रही है। मैंने संकल्प कर लिया है दीपक, यहाँ मेरे गांव की धरती किसी के अत्याचार से दबी बुरी तरह कराह रही है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके परिवार वाले भी बहुत मुसीबत में हैं। मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ मेरी जरूरत है। अब मैं यही रहूंगा, फोन रखता हूँ। मुझे जनता की आवाज बनके एक नया इनकलाब लाना होगा। बबुआ, भैया, तुम्हारी इस जंग में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ बबुआ, हाँ। अर्जुन, अर्जुन, रजनी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज कैसे आना हुआ यहाँ? शंकर के घर जा रहा था। शंकर के घर? रजनी, अनजाने में जो गलती हो गई है मुझसे और जिस गलती की सजा एक ऐसा परिवार भुगत रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, वक्त की आंधी में जिस घर का चिराग बुझा दिया उसी घर में उम्मीद का दिया जलाने जा रहा हूँ मैं, शंकर के घर। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है। किसी ने मेरे बाबूजी को मारा। अर्जुन, अर्जुन, अभी दिखाती हूँ तुझे शैतान। नहीं रजनी, चल चल। नहीं रजनी, छोड़ूंगी। अभी तो मेरे इम्तिहान की शुरुआत है और मुझे अपने प्यार से इस पत्थर को फूल बना के छोड़ना है, इस पत्थर को फूल बनाना है। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मुझे जीवन में तुम्हारे जैसे इंसान का प्यार मिला है। चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अरे रुक, तुम्हारी इस गांव में आने की हिम्मत कैसे हुई? हत्यारा कहीं का? मास्टर जी देख लीजिए, यही है जिसने शंकर को मारा था। अरे ये हत्यारा यहाँ क्या करने आया है? अरे शंकर का खून करके भी इसका दिल नहीं भरा। देखो चला आ रहा है हत्यारा शंकर का। ये और यहाँ पे? इसकी वजह से ही तो शंकर भैया के घर में ग्रहण लग गया। लो बेटा दाना खा लो। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी डाल चाहिए। जिद नहीं करते बेटा, खाना खा लो। खा लो बेटा। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुमको रोटी दाल चाहिए? हाँ कहाँ से लाके दूँ रोटी दाल चाहिए तुमको? कहाँ से लाऊं? हाँ कहाँ से लाके दूँ रोटी दाल? बोल कहाँ से लाके दूँ? हाँ जा मत खा।
जब देखो तब एक ही जिद मुझे खाने यहाँ घर में खाने कोई अनाज का दाना नहीं है और उसे रोटी दाल चाहिए। ये बहू तुम लड़के को बात बात पर क्यों मारने लगती हो? क्या करूं बाबूजी? जब घर में चूल्हा ही ना जले खाली दिल जले तो मैं क्या करूं? भाई साहब वो ऐसे क्या देख रहे हो? चावल दे दो 2 किलो, आधा किलो दाल दे दो और कोई बिस्किट दे दो और जरा जल्दी देना। चाचा प्रणाम। मैं तुम्हें बताता हूँ, तू मेरे दरवाजे पे, अरे राक्षस मेरे बेटे को मार कर भी तेरा मन नहीं भरा, जो आज फिर मेरे दरवाजे पे आया है। तू रोजा मेरी आंखों के सामने नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार दीजिए मुझे, अगर मुझे मारने से आपका शंकर वापिस आता है तो मार दीजिए मुझे। देखिए इसमें कुछ राशन पानी है, किसी कैसा राशन? बेला इसका राशन उठाकर फेंक दे इसके मुंह पे। क्या देख रहा है? अब जाओ यहां से, निकल जाओ। मुन्ना लो खा लो, खा लो, मैं जानता हूं तुम्हें भूख लगी है, हैं? लो खा लो। आहा, पढ़ने जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते? सब लोग कहते हैं कि मेरे बाबूजी मर गए तो मुझे कौन पढ़ाएगा। मैं पढ़ाऊंगा बेटे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगा। लो खा लो, मुझसे पढ़ूंगा मैं। अजी सुन रही हो, राम खेलावन के घर से अपनी रज्जो के ब्याह का रिश्ता आया था। तो क्या कहा आपने? अरे कहना क्या था, उस अर्जुन हत्यारे से मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, मना कर दिया मैंने। बिल्कुल ठीक किया आपने, सारा गांव अर्जुन के खिलाफ है और ऊपर से उसने वीर महोबिया से दुश्मनी भी की हुई है। अब ऐसे घर में रिश्ता जोड़ के वीर महोबिया से हम दुश्मनी क्यों करें? आपने मना करके बिल्कुल सही किया।
जा सब कुछ तो तुझ पे है कुर्बान मेरा, प्यार में तू जाना, प्यार में तू जाना, मैं कभी ना ले सकूं गोरी, जो है वादा तुझसे कभी ना तोड़ेंगे गोरी। कभी ना तोड़ेंगे गोरी, हम प्यार तुझे से है, तू ही दिल जान है सजना। सरकार, तालाब में बड़ी मछलियां हैं, मरवा क्यों नहीं लेते हैं? तालाब, मछली, मरवाऊंगा। क्राम क्राम बाबू साहब, क्राम क्राम, मुझे आपने बुलाया है? बुलाया हूं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे बिना पूछे टेंडर भरने की? मुझसे गलती हो गई बाबू साहब। गलती हो गई? तुम पूछ रहे थे ना कि मछली क्यों नहीं मरवाया? मछली मरवाऊंगा तो मछली से ज्यादा आदमियों के कंकाल निकलेंगे। सरकार, एसपी साहब आए हैं। बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। मछलियों, एसपी साहब आए हुए हैं। प्रणाम सर। क्राम क्राम एसपी साहब, धन्य भाग्य हमारे जो आज आपके चरण मेरे घर में पधारे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं महोबिया बाबू, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने याद किया। भक्त को ही तीर्थ यात्रा पर निकलना पड़ता है, भगवान को नहीं। मेरे जैसे सरकारी नौकर के लिए इतना बड़ा मंदिर कहाँ हो सकता है? बताइए कैसे याद किया मुझे? क्या कहूँ एसपी साहब, पिछले कुछ दिनों से एक अनजान बदमाश मेरे आदमियों को मारता है और गायब हो जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर कौन है वो? सुनिए, आप एक काम कीजिए, उसका पता लगाइए, बंद कीजिए और ठोक दीजिए साले को। हमारी कार्रवाई चल रही है, वो जिस दिन भी हाथ लग गया क्राम क्राम हो जाएगा साले का। मगर वैसे एक अकेला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? कभी कभी क्या होता है ना, एक चना भी गले में फंस जाए तो बहुत दर्द होने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गांव वालों की नजर में बहादुर बन जाए और सब उसके साथ बहादुर बनने लगे। चलिए, आपने कम से कम उसे बहादुर तो समझा। वैसे भी आपकी बातों को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, वरना वो सचमुच खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अगर उसने आपके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो वाकई आपकी कुंडली बिगड़ सकती है। डराइए मत एसपी साहब, मैं भी वीर हूं, वीर, कोई आंडू पांडू नहीं। लीजिए बिस्किट, खाइए बिस्किट। चल 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 चल। अरे क्या भाई बेचान, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, ऐसे काम करोगे तो मर जाओगे, जाओ थोड़ा आराम कर लो। अब क्या करूं भाई, परिवार को खिलाना तो पड़ेगा ना। दादाजी, 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 क्या हुआ दादा? छोड़ दीजिए दादाजी, डॉक्टर भी कहते हैं और चाची भी कहती है कि आप आराम कीजिए, चलिए ना घर। चाचा, तुम फिर आ गए। देखिए आपकी तबीयत। मेरे बेटे का हत्यारा अब मुझे मारने आया है यहाँ पे, मेरे बुढ़ापे का लाठी छीन लिया तूने, भाग गया यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मेरे घाव पे नीच रगड़ने आया है।
ये क्या हुआ? क्यों भाई, ये मेरा खेत कैसे जोता गया है? चाचा, ये अर्जुन का कमाल है। रात में ट्रैक्टर लेके आया और खेत की जुताई करके चला गया। क्या अर्जुन, उसका मेरे खेत में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? चाचा हिम्मत नहीं चाचा, उनकी इंसानियत की वाहवाही कीजिए, उनकी अच्छाइयों को समझिए। चुप करो, मुझे मत समझाओ उसकी अच्छाई। चाचा, शंकर भैया के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। अगर उस हादसे ने शंकर भैया की जान ले ली तो अर्जुन की पूरी जिंदगी भी बदल दी। उसने भी सारी खुशियों को छोड़कर यहाँ आपके साथ साथ सारे गांव के लोगों का दुख दर्द बांटने यहाँ चला आया। चाचा, एक बार उसे समझ कर तो देखिए, उसमें आपको आपका बेटा ही नजर आएगा। ए ए ए बी बी ए ए, अरे ये नहीं, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच ए ए बी बी। अरे रोको रोको, गाड़ी रोको। ए मुंशी। हाँ सरकार। ये कौन चिड़िया है, बहुत उम्दा लग रही है। अरे सरकार, ये शंकर की विधवा है, बेचन की बहू। अर्जुन आजकल इसका नौकर बना हुआ है। बनने दे, इसे मेरी सेवा में हाजिर कर, जरा चखूं तो। ए ड्राइवर साहब, चलिए। चलो चलो, तुम अपने चाल चलो। अरे ये क्या चले हो, पान का दहला। वाह मास्टर जी, आजकल खूब सेवा कर रहे हैं। कहिए तो बाबू साहब से कह के आपका प्रमोशन करवा दूं। अरे हट, ये कौन है बे? ए दिमाग खराब है क्या तेरा? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुव्रजोत्सना पुलकितयामिनीं कुसुम शुभ्रम धरा शोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम मातरम। एक मास्टर होके और गुंडों को बिठाकर चाय पिलाते हैं, हैं? सरस्वती माता के मंदिर में शर्म नहीं आती? क्या करूं बाबू, उन लोगों की गुंडागिरी के आगे कुछ नहीं चलता। आज के बाद फिर कोई आया तो मुझे बताना। अच्छा, जरूर बताऊंगा। अरे भाई, ये क्या हो गया? एक बात सुन लीजिए आप लोग, कल से अपने बच्चों को यहाँ भेजिएगा, अब यहाँ पढ़ाई होगी। बाबूजी चाय। ए रुक। ये कौन है भाई, मोहबिया जी के आदमी? कैसे हो बेचैन? क्या बात है भाई? बाबू साहब को तो तुम जानते ही हो, बहुत दयालु है। तुम्हारे घर की हालत जानकर उनका मन पिघल गया, तुरंत आदेश दे दिए और जाकर बेचैन की मदद करो।
अपनी बहू को उनके घर पे कामकाज के लिए क्यों नहीं भेज देते? अरे तनख्वाह के साथ साथ इनाम भी ढेर सारा मिलेगा। इस घर के साथ साथ ना तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बस करो, तुम लोगों की मनसा मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। मेहरबानी करो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे मेरी बात को समझो, समझो मेरी बात को। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी बहू को यहाँ से घसीट कर ले जाऊँ। चुप! ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या कर लेगा ना, क्या कर लेगा तू? अरे एक ही बेटा था, वो भी चला गया, चला गया वो, और तू किसके दम पे उछल रहा है? किसने बताया तुझे इनका बेटा मर गया? किसने बताया? रे मैं हूं इनका बेटा, मैं हूं इनका बेटा। छोड़ दो मुझे अर्जुन, और जाके अपने बाप से कह देना कि दोबारा अपनी गंदी नजर इधर घुमाया ना तो फिर किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। चल, मैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। मैं आया था मदद करने के लिए, जब भी चढ़ गई है देख लूंगा। चल ले। मेहनत मजदूरी से बढ़कर धर्म न कोई जग में, सच्चाई ईमान को भर ले तू अपने रग रग में। मेहनत मजदूरी से बढ़कर धर्म न को सच्चाई ईमान को भर ले तू अपने रग रग में। सुख दुख जीवन की परछाई, इससे क्या डरना मेरे भाई। जीत तुम्हारी होगी एक दिन, हाथ भले ही हार है जनता। कहाँ जा रही हो रानी? आया है खाने का इरादा है। छोड़ जाने दे, कुत्ते के मुंह नहीं लगते। ये राजू भाई, यही वो लड़की है जो अर्जुन के साथ इश्क फरमा रही है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है आजकल। तब तो साला स्कूल में कयामत का जलवा दिखाना ही पड़ेगा। तू मुझे कुत्ता बोल रही थी, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कुत्ता गिरी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
बिहारी मिट्टी हूं मैं, जिसे अपना बना लेते हैं उसकी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जान तो मैं लूंगा तुम्हारी साले। चल उठ साले, चल। ये रहा गुनाहगार, और अभी बंद कीजिए इसे। का कहा बंद कर दूं? अरे तुम्हारा बाप का राज है का? बाप का राज? अरे बाप के राज से क्या मतलब? इसने जो गुनाह किया है ना, इसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और फिर ध्यान से सुन लीजिए दरोगा जी, इस गांव की बहू बेटियां खिलौना नहीं है, और अगर किसी ने उसे खिलौना बनाने की कोशिश की ना, तो जनता उसे माफ नहीं साफ कर देगी। खबरदार, पुलिस अफसर से कैसे बात किया जाता है, तमीज सीखो तुम। इंस्पेक्टर, हम यहाँ पुलिस थाने में कंप्लेन लिखवाने आए हैं, तमीज सीखने के स्कूल में नहीं। अरे हाँ, जल्दी से कंप्लेन लिखिए। आप लोग जरा शांत हो जाइए। शुक्ला जी सर, इनकी कंप्लेन लिखो जी। हेलो, नमस्कार, सोनापुर पुलिस थाना। ज्यादा होशियारी मत कर, नहीं तो ऐसे खोपड़ी फोड़ूंगा कि थानेदारी तो दूर, चौकीदारी के लायक भी नहीं रह जाएगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। राजन बाबू 375-363 के केस में बंद होंगे, उसमें आदमी छोड़ा नहीं तोड़ा जाता है। टूटेगा, जरूर टूटेगा। दरोगा बाबू, कुर्सी पे बैठकर गर्मी ज्यादा आ गई है, सस्पेंड करवाता हूँ अभी, तो ठंडी का भी मजा लेना। मैं इसी वक्त मंत्री जी से बात करता हूँ। अरे हाँ हाँ, दिल्ली का भी प्रोग्राम बन रहा है। अरे आप तो जानते ही हैं कि होम मिनिस्ट्री का क्या हाल है, कोई ना कोई परेशानी तो लगी ही रहती है। सर, वीर मुहबिया जी का फोन है। लो। अच्छा ठीक है भाई जी। हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज तक वीर मोहबिया जी का कोई भी काम रोके हैं हम? नहीं नहीं, हमने एसपी कुणाल को अभी अभी बुलाया है, आता ही होगा। हाँ हाँ, वो सब कुछ सही कर देगा। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए। हाँ प्रणाम। जय हिंद। अरे ये क्या वीर मोहबिया का बेटा, अरे क्या नाम है उसका? रे राजन मोहबिया। हाँ राजन मोहबिया। अरे भाई, नेता परिवार की छोटी मोटी गलतियों को भूल जानी चाहिए। जाइए जाइए, रिहा कर दीजिए उसको। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। राजन की ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। दिन दहाड़े स्कूल में गुंडों को भेजकर लड़की का अपहरण और फिर उसके बलात्कार का प्रयास, उसके ऊपर 363 और 375 का केस बना है, किडनैपिंग एंड अटेम्प्ट टू रेप। अरे तुम हमको कानून सिखा रहे हो? एसपी कुणाल सिंह, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम गृह मंत्री से बात कर रहे हो, होम मिनिस्टर से। कुणाल सिंह, आंख बंद और डिब्बा गुल। सुनो, अब जल्दी से जाओ और छोड़ दो उसको। बड़े घर के लोगों का ये सब तो रोज रोज का खेल है।
अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जो मैंने कहा उस पर कार्यवाही करो भाई। मैं कॉलेज जा रही हूँ पापा। अच्छा कॉलेज जा रही हो बेटी? जी। जाओ खुश रहो, जाओ ठीक से जाना। बड़ी खूबसूरत बेटी है आपकी। गुलाब सिंह सॉरी, आप जाइए। मंत्री जी, मैंने आपकी बेटी का सिर्फ दुपट्टा खींचा तो गुस्से में आपका जिस्म जलकर कोयला हो गया, और वो साला हरामी की औलाद रोज दिन दहाड़े लोगों की बहु बेटियों की इज्जत अपनी हथेली पर लेकर खेल रहा है, तो वो बड़े कुल खानदान का रिवाज है? मंत्री जी, कुणाल सिंह को धमकी मत दीजिए। कुणाल सिंह का अटैची ट्रांसफर के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुणाल सिंह, ये राजनीति, ये सत्ता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी भाई। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। अब जाओ और सख्ती से निपटो उन दोषियों से। हम तुम्हारे साथ हैं। गो अहेड। थैंक यू सर। लिखिए वीर मोहम्बिया का बेटा दिन दहाड़े रजनी को उठा के। इंस्पेक्टर, ये क्या रे? मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा, बाबा। तूने मेरे बेटे को बंद कर दिया? छोड़ मेरे बेटे को। नहीं बाबू साहब, ये नहीं हो सकता। और फिर ये? अच्छा तो तू है अर्जुन। बेटे, पानी में रहकर मगरमच्छ के दांत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना अपने आप को, बिल्कुल सही। मगरमच्छ ही है तू। लेकिन याद रखना, जिस दिन मगरमच्छ तालाब के पानी से बाहर आ गया ना, तो गांव के छोटे छोटे लड़के भी उसे कांटे में फांस के पकड़ लेंगे और ले जाके म्यूजियम में बंद कर देंगे। वीर मोहबिया, तुम्हारे पतन का दौर चल पड़ा है। जो जो सीमा से बाहर गया है मिट्टी में मिल गया है। चुप चुप, चिल्लाना मुझे भी आता है। बाबू साहब, ये थाना है। हाँ हाँ मालूम है, ये थाना है। सुन ले शुक्ला, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर शांत रहिए, जरा धीरज रखिए बाबू साहब, सब ठीक हो जाएगा। बाबू साहब, थाने में आग लगा दूंगा। सर, एसपी साहब, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर एक भी आवाज तुम्हारे खिलाफ उठी तो तुम्हारी कुंडली बिगड़ सकती है। काम काम, चुप। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यहां मुजरिम नहीं, सिर्फ कानून बोलता है, समझे? देख लूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आ गए बेटा। ये बेला, अर्जुन आ गया है। चाचा आ गए। बेटी स्कूल से आ गए। और सुनो, तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं है? ऐसे ही दिन भर काम होता रहेगा। अरे खा लूंगा चाचा, खाने के बिना कौन सा काम बिगड़ रहा है। भैया रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, और आज खाना खाकर ही जाना होगा। अच्छा चाचा, इस साल फसल इतनी अच्छी हुई है ना कि जरा भी टाइम नहीं है अपने पास। छटाई कटाई सब करके फटाफट खेत से सारा अनाज खलिहान में लाना है। बेला रहने दे, खाना मैं बाद में आकर खाऊंगा। अच्छा चल। अरे अर्जुन, फसल इतनी अच्छी हुई है चाचा कि बेला की शादी बहुत धूमधाम से होगी, बहुत धूमधाम से। अरे चलो उतारो भाई, चलो मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी करो, चलो जल्दी। भाभी प्रणाम। प्रणाम भैया। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो वो लोग खेलने गए हैं। अच्छा ठीक से पढ़ाइए उन्हें। ठीक है भैया। अर्जुन भैया प्रणाम, कैसे हो? ठीक है, अगले हफ्ते मंडी जाना है, याद है ना? याद है।
भैया आपसे लिया हुआ कर्जा मैं अनाज बिकते ही लौटा दूंगा। जब होगा तब लौटा देना, टेंशन मत लो, समझे? जी भैया। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? देखो मैं जा रहा हूँ बहुत जरूरी काम से, आज तुमसे बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और आज इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? वही जहाँ तुम जा रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ पंडित जी के गांव, अनाज मंडी का कुछ काम है। आधे रास्ते पे मेरी भी मंजिल है। नो प्रॉब्लम। ओह, अंग्रेजी निकल रही है तो क्या बंगला बोलूं? सुनो ना, रुको, मुझसे नहीं चला जाएगा। ट्रक मंगवाऊं क्या? बाहों में उठा के ले चलो ना राजा। बाहों में ले लूं? लीले, क्या लीले, 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 क्या मतलब? I have no time for love. क्या हुआ? I love you, Arjun. देखिए, अनाज का दाम 1000 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं मिलेगा। बेचना है तो बेचो, आगे तुम सबकी मर्जी, समझ गए? ये गलत बात है मुनीम जी, आप कम दाम क्यों देंगे? सरकार ने जो रेट फिक्स किया है हमें वही रेट चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, ये बीर महोबिया जी का आदेश है। तो क्या ये कैसा आदेश है?
मेहनत हमारी, मजदूरी हमारी, खाद लगाने का पैसा हमारा, और हम ही लोग कैसे कमीशन देंगे? नहीं देंगे कमीशन हम लोग। मजदूरी पर कमीशन, किसानी पर कमीशन, कल कहोगे सांस लूंगा उस पर भी कमीशन। बेवकूफ मत बनाओ, आज से कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो चलो चलो, सब चलो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, वापस मत आना पलट के। और सुन लो, बाद में मत कहना कि भाव नहीं मिला। हे हे हे, हे मुनीम जी, ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं यहाँ, जाके खाद्य मंत्री से भी बात कर सकते हैं। हाँ, होश में रहो। चलो चलो सब अपने गाड़ी में बैठो। चलो 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 सब अपने गाड़ी में बैठो। चलो बैठो, चल जाएगा जब जाओ। गाड़ी पीछे करो, चलो बैठो, स्टार्ट करो, चलो चलो। हमारे सामने जिनके औकात कीड़े मकोड़े की भी नहीं थी, वो लोग आज हमारे खिलाफ बोलने लगे हैं। इस जनता की आवाज शोला बन जाए, उससे पहले उसे दबा दो। गाँव में पड़ा हुआ सारा का सारा अनाज चला दो। हर दुकानदार को कह दो कि वो किसी को अनाज का एक दाना भी न दे। जब भूख की आग लगेगी तो देखूंगा कौन साला क्रांति का इंकलाब लाता है। जाओ, हाहाकार मचा दो। कौन हो तुम लोग भाई? अरे उठ सारे कुत्ते, उठ। साले, तेरे पुरखों में आज तक आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है, और आज तू उस अर्जुन के साथ मिलकर क्रांति का राग सुना रहा है। मैं बताता हूँ क्रांति क्या होती है। मैं बताता हूँ ना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बचाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या हो गया भगवान? राम किरण, पूरे कल्याण में आग लग गई है। गांव वालों, पूरा कल्याण जल रहा है। जल्दी आओ, अरे आग को बुझाओ। छोड़ दे ललन, छोड़ दे। चाहूं तो मैं तुझे भी इस आग में डाल सकता हूं, लेकिन नहीं डालूंगा, क्योंकि तू जल गई तो मेरी जवानी की आग कौन बुझाएगा? चला, चला। क्या हो गया है? हे भगवान, मेरा पूरा अनाज जल गया। अरे मेरा खेत, हे भगवान। अच्छा बेटा, चुप हो जा, नहीं डरते हाँ। नहीं डरते, चुप हो जा बेटा। चाचा, तुमने कहा था कि फसल अच्छी हुई है,
बेला की शादी होगी, मेरा सब सपना जल के राख हो गया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गांव वालों, अरे क्राम क्राम, अरे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोगों के साथ। सुनो, अरे ये तो अर्जुन के चक्कर में तुम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। वो तुम लोगों को भुखमरी के कगार पर ले जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आओ देखो, आज अपने जन्मदिन पर मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आया हूं। अरे हैप्पी बर्थडे है आज मेरा, आओ आओ ना। गर्मी नहीं उतरी है अभी, कोई नहीं आ रहा। मरने दे सालों को भूख से। वाह, क्या अंदाज है आपका। पहले जख्म देते हैं, फिर मरहम लगाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत। ये क्या है? अनाज की जली हुई राख। पंडित जी से पूजा करवा के इसे गंगा जी में बहा दीजिएगा, शायद आपकी कुंडली में आने वाला ग्रहण टल जाए। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? जी नहीं, समझा रहा हूं आपको। जनता के जज्बात से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। समंदर की खामोशी से आने वाले तूफान को भांप लीजिए। जब जनता की आवाज इनकलाब बन जाए तो उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। समझ गए? मम्मी मुझे बहुत भूख है, खाना दो ना। सो जा बेटे, जब खाना बन जाएगा तो जगा दूंगी तुझे। क्या है भैया, मुझे थोड़ा सा कुछ सामान दे दो, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। वीर मोहबिया जी ने मना किया है, और तुमको राशन देके उनसे दुश्मनी मोल नहीं लूंगा। जाओ जाओ यहाँ से। भैया मेरी मदद करो, ऐसा ना बोलो। अगर मदद लेना है तो उन्हीं लोग के पास जाओ, और वही लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो भैया, भैया जाओ जाओ भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं भैया। चलो मैं कोई ना कोई उपाय जरूर कर लूंगी। दोस्त, गोश्त अगर कच्चा हो तो खाने का मजा ही कुछ अलग होता है।
प्रणाम मालिक। प्रणाम, क्या बात है मालिक? घर में खाने का एक भी दाना नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मदद जरूर करूंगा, जो तू जैसी हसीन की मदद नहीं करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। लेकिन सौदा बराबरी का होना चाहिए ना, एक हाथ दो एक हाथ लो। नाचना आता है? नहीं, कोई बात नहीं। ठुमका लगाना आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं। तो चलना तो आता है ना, जरा चल के दिखा। चलो, तुझे रोटी चाहिए ना, चल के दिखा। चला, चलो 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 चलो। चलो, क्या चाल है। रोटी मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जितनी बार खुश करोगी उतनी रोटी मिलेगी। क्यों भाई लोग? खुश कर, खुश करना। दोबारा गरीब की इज्जत से खेलने की कोशिश मत करना। चाहूं तो तुझे मार के यहीं गिरा दूं, लेकिन नहीं मारूंगा। जो वक्त तुझे इस चौखट पर लेकर आया है वही वक्त एक दिन तुझे मेरे बिस्तर तक ले जाएगा। तो तू भी सुन ले, जो वक्त आज आज मुझे यहाँ लाया है वही वक्त एक दिन तुझे रोटी के लिए मोहताज कर देगा, समझ गए? भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं, देख लेना मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे रोटी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, हे भगवान मैं क्या करूं? सारे राशन की दुकानों को बंद करवा दिया है। तुम लोग उसके सारे ठिकानों पर छापा मारो, जल्दी पता करो। आई वांट एक्शन, किसी को छोड़ना नहीं। ओके सबका पालनहार तू ईश्वर, तू ही भक्तों के खेवैया। जब जब आई भक्तों पे विपदा, हर गए दुख तू कन्हैया। Oh,
सर अगर हर जिले का एसपी कन्हैया हो जाए तो हर नौजवान अर्जुन हो सकता है अपने कन्हैया का। आइए सर, देखिए कितने बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं, तुम जाओ, मेरा ये रूप सिर्फ तुम ही जानते हो और किसी को जानना भी नहीं चाहिए। गांव वाले, हमारी बात सुनिए। आप लोगों का खलिहान जल गया है, गांव में अनाज नहीं है। अनाज की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अनाज भेजा है। ये सारा काम अर्जुन और एसपी साहब की मदद से हुआ है। सर आपका यह मसीहे का रूप भी पब्लिक को जानना चाहिए। आप लोग जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर एकजुट होकर गांव का विकास कीजिए। मुझसे ज्यादा तुम्हारा योगदान है इनकी मदद में, तुम जाओ। नहीं बॉस, आज तो चलना ही पड़ेगा। बॉस का ऑर्डर, बहस नहीं, जाओ। यस बॉस। आप हमारे साथ आवाज दीजिए, जय हिंद जय हिंद। आइए आप लोग हमारे साथ आइए। अर्जुन भैया, चलो सारा सामान गांव वालों। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, चलो सब हाथ बटाओ। आग लगवाई थी तबाही के लिए और ये गांव वाले दिवाली मना रहे हैं। खलिहान की आग अभी बुझी भी नहीं और सरकारी मदद भी आ गई। ये सब उस अर्जुन की वजह से हुआ है। कई बार हमला हुआ लेकिन बच गया साला। जल्दी से जल्दी उसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो साला फांसी का फंदा बन के गले में लटक जाएगा। अब उसे मरना ही होगा। हड़बड़ा कर नहीं, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसी चक्कर में कहीं मेरी नौकरी चली गई तो कसी हुई लंगोट ढीली करनी पड़ेगी। बेवकूफी की बातें मत करो, कोई रास्ता बताओ। वीर मोहविया ने आज तक हार नहीं मानी, लगता है इस बार और कुछ करना पड़ेगा। अब इस बार क्रिमिनल से नहीं, इन छात्रों से हमला करवाइए। इससे ना किसी और को हम पर शक होगा और ना ही पुलिस को। अरे बड़े बड़े नेता, इतनी जो हड़ताल होती है, आगजनी होती है, सब इन छात्रों से ही तो करवाते हैं। मेरे देश में पान चले। देखो भाई, इस तरह से रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो। तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों के हाथों में हॉकी शॉकी ठीक नहीं लगता है। तुम लोग देश के भविष्य हो, तुम लोग को पढ़ना लिखना चाहिए। हमने तो अपने भविष्य के बारे में सोच लिया है, लेकिन अब तू अपने भविष्य के बारे में सोच। साले क्या समझते हो रे? साले दो टके के आदमी, इस देश के भविष्य तुम लोग क्या बनोगे? छोड़ दो से। अर्जुन भैया, मारने वाले तो सब भाग गए। चोट लगी है आपको? अरे चलो, अरे चलो, चलो। हाँ भैया मैं हूँ, भैया मैं हूँ ना, आप कुछ घबराइए मत। भैया मैं हूँ, चलिए चलिए, आइए आइए चलिए। ए बबलू, अरे गाड़ी निकाल, भैया को लेके जाना हॉस्पिटल, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। एक अर्जुन को मार नहीं सके तुम लोग। हमने मारा तो था लेकिन बच कैसे गया ये पता ही नहीं चला। चलेगा, जरूर पता चलेगा, तुम्हें ही नहीं पूरे जिले वालों को पता चलेगा। उसे तो ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। ए सलीम, किस सोच में डूबे हो? उस अर्जुन के बारे में सोच रहा हूं यार। अरे छोड़ यार, उससे फिर कभी निपट लेंगे। नहीं, मैं उस अर्जुन और वीर मोहविया के फर्क के बारे में सोच रहा हूं। अगर अर्जुन चाहता तो हम लोगों को पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन ये वीर मोहविया हमें गुंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। क्या? मैं भी यही सोच रहा हूं।
कि हम किस दिशा में जा रहे हैं भाई, लेकिन अब हमें अपना रास्ता खुद ही बदलना पड़ेगा। हेलो, वीर महोबिया के लोग अर्जुन को मारने के लिए जा रहे हैं, हो सके तो अर्जुन को बचा लीजिए। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तुम कौन बोल रहे हो? आपका शुभचिंतक। हेलो हेलो, अर्जुन का बच्चा किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, काम हो जाना चाहिए। हम लोग बाहर गाड़ी में बैठते हैं, काम खत्म करके वहीं आ जाओ। चलो सब, हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। पिस्टल फेंक। मुझे मत मारिए, मैं पहली बार ये काम करने आया हूँ और आज ही गवाह बनेगा। हाँ बनूंगा, मुझे जान से मत मारिए। अस्पताल में घुसकर जान से मारने की कोशिश, छोड़ूंगा नहीं सालों को। हेलो कोबरा कमांडो, सील कर दो सारे शहर को, एक एक की तलाशी लो, कोई बचना नहीं चाहिए। मुझे वो अपराधी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर शांत हो जाइए आप, वो सारे अपराधी जिंदा आपको मिल जाएंगे, लेकिन शांत रहिए। क्या करेंगे आप, फिर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना। होम मिनिस्टर का फोन आएगा, फिर जाके वीर महोबिया को सॉरी बोलना पड़ेगा, फिर होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते? सारी प्रॉब्लम सत्ता की ही है, तुम्हारे जैसे नौजवान सत्ता में क्यों नहीं? अरे सर राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, हमारे बस की चीज नहीं है। है, अच्छे आदमी के ना होने से ही राजनीति में कमीने और गंदे लोगों का बोलबाला है, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे लोगों की जिंदगी खतरे में है और मेरे जैसे अधिकारी को गंदे और कमीने जैसे लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं और मजबूर हैं। तुम वीर महोबिया के सामने चुनाव लड़ोगे? हाँ अर्जुन भैया, आप चुनाव लड़ो। देखो सारे स्टूडेंट्स की ताकत भी अब तुम्हारे साथ है। हाँ अर्जुन भैया, हम लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हम लोग आपका ही साथ देंगे। सर जब जब पुलिस के इतिहास की बात होगी ना, तो आप जैसे अधिकारियों को और उनके जज्बातों को सारी दुनिया सलाम करेगी। आप पुलिस की वर्दी में ना हमारे जिले के लिए एक वरदान है। मैं चुनाव लड़ूंगा मगर आपके नेतृत्व में। गुड, फाइट फॉर योर राइट, फाइट फॉर इंडिया। क्या हाल है महोबिया साहेब? ऐसी खामोशी है जैसे किसी अपने की मौत हो गई हो। हवेली के सारे कुत्ते बिल्ली तो ठीक है ना? कुछ मालूम नहीं है क्या एसपी साहेब, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? बहुत जलन होती है। इसीलिए तो सावधान करने आया हूँ कि आग से ज्यादा मत खेलिए, वरना कहीं धोती पाजामे में आग पकड़ लिया तो बुझाने से भी नहीं बुझेगी। 90% बंद मतलब। जय श्री राम। एसपी साहेब, अगर ये आपकी सलाह है तो भी क्राम क्राम, और अगर ये धमकी है तो भी क्राम क्राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी अहंकार में तो रावण मिट गया। आप कौन से खेत की मूली हैं? बहुत ज्यादा मत बोलिए एसपी साहब। आज तुझे मेरी बातें खराब लगेगी,
क्योंकि मैं यहां खुशामद करने नहीं वार्निंग देने के लिए आया हूं। बंद कर दे अपना ये शैतानी राजपाट, इससे पहले कि ये सारे गांव जिले के लोग दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह मारे तो इंसान की तरह अपने आप को कानून के हवाले कर दे, समझ गए ना? क्राम क्राम राम नाम, अब तुम्हारे पीछे चलने वाली भीड़ क्राम क्राम नहीं राम नाम बोलेंगे, राम नाम सत्य है। एसपी साहब याद रखना, बहुत जल्द तुम मेरे पैरों में गिरकर अपनी नौकरी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो फिर तू भी याद रख, तू मेरे पांव पे सर रखकर अपने जान की भीख मांगेगा, तुम्हें मैं तो माफ कर दूंगा लेकिन कानून माफ नहीं करेगा। अरे मुन्ना प्रणाम चाची। राम राम। आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। कुर्ता धोती घोटी पर, रोटी पर। हमारी लड़ाई रुपए से है, रोटी आपकी निशानी है। हमारी पार्टी का नाम है आसरा। आसरा का मतलब समझते हैं ना? आतंक, संघार, राज्य, जिसे हम लोगों को खत्म करना है। एक बार हमें जिता दीजिए, पूरे गांव को आसरा दूंगा, पूरे गांव में खुशहाली लाऊंगा। वोट फॉर रोटी। रुपया बड़ा होता है या रोटी? रोटी। नहीं बच्चे, रोटी नहीं, रुपया। रुपया बड़ा होता है। चल भाग। चलो 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 चलो। राजनीति बुरी चीज नहीं होती है, राजनीति बुरी चीज नहीं होती है। अगर कुछ बुरा होता है तो वो है बिना ईमान वाले, सिद्धांतहीन और भ्रष्ट लोग जो इस राजनीति को भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरे चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक, वीर मोहब्बिया जैसे लोगों का समाज से सफाया और कुणाल सिंह जैसे अफसरों के लिए सहयोग। आप लोग मेरे साथ इस लड़ाई में है ना? मेरे साथ है ना? हाँ भैया। ये बात वीर मोहब्बिया को समय से पहले पता नहीं चलना चाहिए। मुझे चुनाव जीतने के लिए मुद्दा चाहिए, मुद्दा। भुखमरी, बलात्कार, हत्या, अपहरण, दंगा, कुछ भी चाहिए लेकिन मुद्दा चाहिए। सरकार ये चुनाव की खर्चा जरा। हाथ बोलबक, हट जाले, मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुद्दा। चल सौदा फंसाओ मत। चुप। अब फंसा है शिकार मेरे जाल में। मुद्दा मिल गया, मिल गया मुद्दा। जाओ। Yeah!
की तकरार की रे हाय भैया हाँ बत्ती बुझा की तकरार की रे हुस्न की कोठी उजाड़ दी रे वाली उम्र में बिगाड़ दी रे हुस्न की कोठी उजाड़ दी रे हाय वाली उम्र में बिगाड़ दी रे हुस्न की कोठी उजाड़ दी रे बाबा को चुनाव का मुद्दा चाहिए था, सो मिल गया। ले जाके फेंक दो इसे गांव के किसी कोने में। इस क्षेत्र के भावी विधायक आंसू पोंछने के लिए पहुंच जाएंगे। वीर महोबिया, आसरा पाटी, जिंदाबाद। वीर महोबिया, राम क्राम, आसरा पाटी, जिंदाबाद। वीर महोबिया, राम क्राम। मुर्गा जी, मुर्गा जी, राम क्राम। सुनिए, मुर्गा जी, इस बार चुनाव में आया दिन एक कांड हो रहा है। इस अराजकता का कौन जिम्मेदार है? प्रशासन, सरकार, गुंडागर्दी या नेता? अरे ये खुद जनता है भाई। देखिए, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, ठीक उसी तरह एक गलत प्रतिनिधि पूरे देश को ही क्राम क्राम कर देता है। अच्छा प्रतिनिधि जीतेगा तो अच्छी सरकार बनेगी, पुलिस प्रशासन पे उसका दबाव रहेगा। ये मेरा वादा है, मैं जीतूंगा तो इस अराजकता को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। कौन है, क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? हे भगवान, हे चाचा, ये तुम्हारी ही बेटी रही, मेरी भी बेटी थी। घबराइए नहीं, ए 2 लाख रुपया इनको दीजिए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे देश में? ए चाचा, ये साले प्रेस वाले भी क्या क्या छाप देते हैं मेरे बेटे के बारे में। सरकार हर जगह तो ये सुर है कि उस लड़की का छोटे सरकार के साथ संबंध था। चुप चुप चुप। अरे जवान है, जवानी में मौज मस्ती का खेल नहीं खेलेगा तो क्या गुल्ली डंडा खेलेगा? बाबू साहब, आप कुणाल एसपी को नहीं जानते हैं। शक हो जाने पर कब्र से मुर्दे को बाहर निकलवा करके भी पोस्टमार्टम करवाता है। चुनाव का वक्त है, छोटी सी गलती भी आपके गले की हड्डी बन सकती है, और पुलिस राजन बाबू से भी पूछताछ कर सकती है, और ऐसे में पार्टी की बदनामी भी हो सकती है। तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से चुनाव होने तक छोटे सरकार को बाहर भेज देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। अरे मंत्री बनने के बाद तो हर फाइल बंद की जा सकती है। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, जाओ छोटे सरकार, जाओ अमेरिका जाके घूम आओ तुम। ठीक है बाबा। और जब तक मैं कहूंगा नहीं, आना मत। अरे मैं फोन से बात करता रहूंगा, ठीक है ना? मम्मी।
अमेरिका जाके वहाँ के लड़कियों के चक्कर में हमें मत भूल जाना। अरे नहीं रे, और हम लोगों को अपने पास बुला लेना। चल ठीक है चल। ये साला 20 सड़क पे कौन लेटा हुआ है रे? कौन है रे? दारू पी रखी है क्या? चल हट साले। बस साले को। अरे दिमाग खराब है क्या? मुझे नहीं, इसे मार। आज ही तो हमारा दिमाग होश में आया है। भैया ले चलो इसे अमेरिका जल्दी। आज से सब होश में आ गए। चल देख, देख इस धरती को। ये वही जमीन है जहां तुम्हारे जुर्म की आग में न जाने कितने गरीब किसानों का सपना जलकर राख हो गया। लेकिन इतना याद रख कि जली हुई जमीन और जख्मी दिलों का हिसाब तुम्हें तुम्हारे बाप को देना ही होगा। देख, अगर मेरे बाबा को पता लग गया ना तो अभी तो सिर्फ अनाज जला है, पूरा गांव जल जाएगा। अच्छा, पता चलेगा तब ना रे, पता चलेगा तब ना। आज सारा गांव एक होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस गांव का आदमी क्या, एक परिंदा भी तुम्हारे बाप को कुछ नहीं बता सकता, समझे? और अगर बता भी दिया तो क्या कर लेगा देखा जाएगा। अरे बांध साले, ले और रस्सी और निकाल इसका जैकेट। अब बांध। जब जागे ये गरीब तो बदल दे खुद नसीब, जब जागे ये गरीब तो बदल दे खुद नसीब, जब जागे ये गरीब तो बदल दे खुद नसीब। आ जाए चारों ओर इंकलाब। जूते का हार किसके गले ने तोड़ा, जूते का हार के गले ने तोड़ा। तक जुर्म को सह लेता है। जागे गरीब तो दुनिया की है, रीत बदल देता है। कमजोर वो जब तक तब तक जुर्म को सह लेता है। जो गरीब को रुलाए चैन से न वो जी पाए, जो गरीब को से न वो जी पाए, हो जाती है जिंदगी बेहाल। जूते का हार इसके गले में तो डाल, जूते का हार इसके गले में तो डाल। We'll be right back.
भागने की कोशिश मत कर बच्चे, सारे गांव में पहरा है, कोई रास्ता भागने का नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बाबा बाबा चिल्लाओ चिल्लाओ खूब चिल्लाओ, ए बाबू इस गांव कस्बे के लोग भी काफी दिनों से बहुत चिल्ला रहे हैं, ना कोई सरकार सुनने वाला है ना कोई प्रशासन। अब तुम अपने बाबूजी को बुलाओ या चाहे अपने दादा को बुलाओ। बताओ रोटी बड़ा होता है या रुपया? चिंता हो रही है, जब से राजन गया है एक भी फोन नहीं किया, क्या बात हो सकती है? आप चिंता मत कीजिए बाबू साहब, चिंता चिता होती है। अरे चुनाव का माहौल है, फोन वगैरह टेप हो सकता है, राजन बाबू समझदार हैं, इसीलिए फोन नहीं किए। ठीक कह रहे हो। क्राम क्राम सरकार, क्राम क्राम। चुनाव प्रचार सब ठीक से चल रहा है ना? पूरी तैयारी हो चुकी है, बस सरकार वोट पड़ने की देरी है। मुनीम जी। जी सरकार। इन लोगों को जितना रुपया चाहिए दे दीजिए। ठीक है सरकार, दे देंगे। देखो बेटे, मुझे किसी भी कीमत पे ये चुनाव जीतना है, तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए ले जाओ, एक एक आदमी को खरीद लो। अरे चुनाव जीतने के बाद सरकार का पूरा खजाना मेरा ही होगा ना। बाबा की गाड़ी, ये बाबा की गाड़ी है, ये मेरे बाबा की गाड़ी है। तुम लोग गांव वाले मुझे मारा करते थे ना? देखो देखो बाबा हमारे लिए खाना भेजे, बाबा हमारे खाना भेजे। इस धरती के महान पापा तेरा बाप, तेरे बाप के हाथों गरीब जनता का खून चूसकर कमाया हुआ ये काला धन पड़ा है, ले खा ले। अगर इसे खाने से तेरी भूख मिट सकती है तो भूख मिटा ले, आज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रोटी और रुपए में क्या फर्क होता है। खा ले, खा के भूख मिटा। चाचा बताओ रोटी वाला या रुपया? बाबू साहेब, ए बाबू साहेब, गांव वालों ने तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए आज मैं तेरी मदद करने के लिए आई हूँ, तुझे आज खुश करने के लिए आई हूँ। आज मैं तुझे चल के जरूर दिखाऊंगी, देखना मेरी चाल, देख देखना मेरी चाल कैसी है मेरी चाल। हाँ क्या बात हो गई, भूख लगी है? ले ले खाना खा ले। ऐसे नहीं, पहले तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। करेगा ना खुश मुझे, खुश करना मुझे। भूख लगी है ना, रोटी चाहिए ना, तू जितनी बार मुझे खुश करेगा उतनी रोटी मिलेगी। खुश करना मुझे, खुश करना मुझे, खुश करना मुझे। अब समझी? अब समझ गए? जब पेट में भूख की आग लगती है ना, तो पेट के नीचे की भूख अपने आप भाग जाती है। जो समय मुझे उस दिन तेरे चौखट पर ले गया था, आज वही समय तुझे यहाँ लेकर आया है। नारी अगर माँ बनकर रोटी खिला सकती है, तो काली बनकर गला भी काट सकती है। तुझे यहाँ रोटी नहीं मिलेगी, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तू जा यहाँ से। चाचा लीजिए रोटी, खा लीजिए, आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी, खा लीजिए। देखा
तेरे जैसे नीच आदमी को भी ये गांव रोटी खिलाने के लिए तैयार है। जरा सोच कि तेरा चरित्र क्या है और इन गांव वालों का चरित्र क्या है। तेरे इतने अत्याचार के बाद भी इन गांव वालों से तेरी भूख नहीं देखी गई। तुम लोगों ने सारे गांव की रोटी छीनकर आदमियों को दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हमने किया है उसमें हम लोगों का मकसद सिर्फ तुमसे बदला लेना नहीं है, बल्कि ये एहसास दिलाना है कि रोटी की कीमत क्या होती है। आज तुम्हें भी ये समझ आ गई होगी कि भूख क्या होती है और रोटी क्या होती है। लो खा लो, अपना जुर्म स्वीकार करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ओके चल बेटे। देखा देखा देखा, तेरे जैसे नीच आदमी को भी ये गांव रोटी खिलाने के लिए तैयार है। आज तुम्हें भी ये समझ आ गई होगी कि भूख क्या होती है और रोटी क्या होती है। अब समझ गया? जब पेट में भूख की आग लगती है ना, तो पेट के नीचे की भूख अपने आप भाग जाती है। चाचा लीजिए रोटी खा लीजिए, आपको बहुत जोर से भूख लगी है। समझ जाती को भी जब पेट में भूख की आग लगती है, तो पेट के नीचे की भूख अपने आप भाग जाती है। नहीं, मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे रोटी खाने का, कोई हक नहीं है मुझे रोटी खाने का। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। और सारे एजेंट को हर बूथ पर अर्जुन भैया, ए अर्जुन भैया, क्या वो वीर मोहबिया का बेटा, अरे राजन मोहबिया दम तोड़ दिया, अरे मर गया वो। क्या? हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। खाना तो उसे खिला ही रहे थे मगर वो खाता ही नहीं था, तो मर गया वो। चलिए ठीक ही हुआ, वीर मोहबिया को चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए था सो मिल गया। अब वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भुखमरी का मुद्दा लेकर अपने बेटे की लाश पे कफन डालने के लिए पहुंच जाएगा। वीर मोहबिया राम राम, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। भैया जी मुझे एक सवाल, बस एक सवाल सर, एक सवाल। आज भी लोग भूख मर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे संसद में आने के बाद ना कोई भूख से मरेगा, ना कोई रोटी के लिए तरसेगा। मृतक के लिए मुझे बेहद अफसोस है, मुझे एक बार जीत के आने दीजिए, इसके लिए मैं स्मारक बनवाऊंगा। इसके परिवार के भरण पोषण के लिए मैं जमीन दूंगा। आज भी मेरे क्षेत्र में लोग भूख से मर रहे हैं, इसका मुझे बहुत अफसोस है, मैं ये अब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। ठाकुर साहब, आज भी मेरे क्षेत्र में लोग भूख से मर रहे हैं, बताएं कितने अफसोस की बात है। बता राजन, बेटे राजन, अरे हमारे राजन बाबू को क्या हो गया, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हुआ? आपको राजनीति के लिए एक मुद्दा चाहिए था ना, मिल गया सर। राजनीति में हर कोई मरने वाला किसी न किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बेटा होता है। और खेलिए राजनीति का खेल। सब सालों को गोलियों से भून दो, इतना गोली मारो कि कोई बच ना पाए, मार दो सबको, खत्म कर दो, कोई बचने ना पाए। क्या हुआ मेरा मुन्ना?
को तड़पा तड़पा के मारा है ना, तो देख ले पीर मोहबिया का आतंक। गिरा दो इतनी लाशे कि कोई कंधा देने वाला ना बचे। आज बच्चे अनाथ होंगे, माँ की गोद सुनी होगी, औरतें नंगी होंगी, मगर उसका तन ढकने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। अर्जुन भैया, अर्जुन, अबे साले, अर्जुन काम काम, अर्जुन आज तुझे बताऊंगा कि वीर से दुश्मनी का नतीजा क्या होता है। फड़फड़ा साले, आज तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। साला सरकारी आदमी हो के और क्रिमिनल का साथ देता है, साला इंस्पेक्टर ड्यूटी का मतलब समझता है। गांव के लड़कों को थाने में बंद करके थप्पड़ मारने की जरूरत करते थे ना, जिस दिन गांव के लड़के जाग जाएंगे ना, तुझ जैसे को डंडा मार के बाहर निकाल देंगे। तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, साले कमीने। ले अर्जुन, सबक सिखा दे इस कुत्ते को। मुझे बचा लीजिए, ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये गांव वाले मुझे मार देंगे, प्लीज बचा लीजिए।
एसपी साहब, एसपी साहब मुझे बचा लीजिए। शक्ति में वजह थी, अगर हर गांव इसी गांव की तरह जाग जाए तो हर वीर महोदिया शेर नहीं कुत्ते की तरह कानून से जिंदगी की भीख मांगेगा। चल, तेरा फैसला कानून करेगा। क्राम 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 क्राम। और इस तरह वीर महोबिया के आतंक से ये गांव आजाद हो गया, कुणाल सिंह का मकसद भी पूरा हो गया और अर्जुन के रूप में इस समाज को एक सच्चा और ईमानदार नेता भी मिल गया। सर आप कहां जा रहे हैं? मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर? ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा काम करने के बाद ट्रांसफर? ये तो होना ही था। मैं पहली बार किसी जिले में इतने दिनों तक टिका रहा। चलो, वैसे भी अपना काम तो हो गया। सर आपने इतनी आसानी से कह दिया कि काम हो गया। आपके कारण हम लोगों ने खड़ा होना सीखा, लोगों से अपना हक मांगना सीखा है। बिना आपके छत्र छाए के हम लोग क्या कर सकते हैं? जनता की आवाज में जो इनकलाब तुमने शुरू किया है उसे जारी रखना। अब मैं कहीं और किसी और वीर महोबिया के खिलाफ दूसरा अर्जुन खड़ा करूंगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद जरूर कर लेना। आईपीएस ऑफिसर हूं, सारा देश मेरा क्षेत्र है। बाय।